साथी श्रेयसी, आज हम लोग एंकाइलोस्टिशिडियस के बारे में जानेंगे, सबमर्ज्ड के बारे में। ठीक है, अब ये जान लीजिए एंकाइलोस्टिश क्या होता है। डेंटल एंकाइलोसिस इज एन इरप्टिव एबनॉर्मलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन बिटवीन द डेंटिन और सीमेंटम of the root and the surrounding bones with the obliteration of the periodontal ligament। obliteration मतलब होता है खत्म हो जाना, खराब हो जाना। तो क्या हो गया? obliteration of the periodontal ligament that will be progressively replaced by bone tissue। ये obliteration periodontal ligament हो जाता है तो क्या होता है? रिप्लेस्ड हो जाता है किसे? बोन टिश्यू से। इसको हम लोग एंकाइलोस्टिशिडियस प्रिवेंट्स देयर एक्सफोलिएशन। ये क्या करता है? इसको झड़ने से बताता है। एक्सफोलिएशन मतलब गिर जाना, टूट जाना, दांतों का। सराउंडिंग परमानेंट टूथ इरप्ट्स एंड द टूथ अपीयर्स टू बी समर्ज्ड। जो जैसे जो एंकाइलस टूथ हो गया, इसके चारों तरफ तो दांत आ जाएगा पर इसके नीचे का जो दांत है वो नहीं आ पाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सबमर्ज्ड। डायग्नोसिस हम लोग क्लिनिकली देख के डायग्नोस करते हैं, पर रेडियोग्राफ से कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो एंकाइलस है। लैक ऑफ मोबिलिटी, उसमें मोबिलिटी नहीं होगा क्योंकि वो बोन के साथ या डेंटिनियस सेगमेंटम के साथ फ्यूज कर गया है। पेरिडोंटल लिगामेंट होता तो उसमें मोबिलिटी होती, पर अगर वो बोन के साथ फ्यूज हो जाता है तो उसमें मोबिलिटी नहीं रहती है, तो लैक ऑफ मोबिलिटी। अपॉन परकशन कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड साउंड, सॉलिड साउंड आता है जब हम उसको परकश करते हैं, उस पर जो सॉलिड साउंड होता है, और जो नॉर्मल टूथ होता है उसमें डल साउंड क्रिएट होता है, पर जब बोन के साथ अटैच एंकाइलोज हो गया तो उसमें सॉलिड साउंड। अब इसका कॉज क्या है? इसका कॉज जान लीजिए, अननोन कॉज है। ट्रॉमा के थ्रू भी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है उसके कारण भी एंकाइलोसिस होने की संभावना होती है। डिस्टर्ब लोकल मेटाबॉलिज्म या जेनेटिक इन्फ्लुएंस। अब हम लोग ये फिगर देखेंगे। जैसा कि आप लोग ने फिगर में देखा कि अगर डिसेडियस ट्यूथ एंकाइलोज्ड हो गया और परमानेंट टूथ इरप्ट नहीं हो पा रहा है तो किस तरह का रेडियोग्राफ आता है। अब ये जान लीजिए कि अगर बच्चे का है तो उस टूथ को हम लोग को निकाल देना चाहिए ताकि परमानेंट टूथ अच्छे से ग्रो हो जाए। अगर बड़े लोगों का है और नीचे परमानेंट टूथ नहीं है और वो टूथ एंकाइलोज्ड हो चुका है तो उसको हम लोग निकाल देंगे, उसके जगह पे हम लोग इम्प्लांट भी लगा सकते हैं या प्रोस्थेटिक लगा सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट आपका हो गया एक्सट्रैक्शन। क्या हो गया? एक्सट्रैक्शन हुआ। क्या किए? तो मोबिलिटी होगा नहीं इसमें, तो इसको हम लोग हिला के तो निकाल नहीं सकते। जो निकल सकता है, जैसे ज्यादा अगर टिके हो गया निकल सकता है तो निकाल देंगे, नहीं निकलेगा तो सस्पेंशन करेंगे, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करेंगे। अगर नॉर्मल एक्सट्रैक्शन हो गया ठीक है, नहीं तो हम लोग सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करेंगे, पर उस बात को हम लोग हटा देंगे। पर हाँ, अगर बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, वो एज यूजुअल अच्छा वर्क करते रहता है, नीचे कोई टूथ नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, अगर वो आदमी चाहे रखना तो वो रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो मेनली उस टूथ का एक्सट्रैक्शन हो। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।